तो फिर चलो इसमें हम फिर अब कोड करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट अरे डेटा टाइप बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक फ़ाइल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ फाइल, न्यू फाइल, और इसका मैं नाम क्या रखूँगा, बिकॉज हम ये ADT एरे बना रहे हैं। सो जस्ट राइट 02 ADT एरे डॉट CPP। मैं अपनी फ़ाइल हमेशा ऐसी रख बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अगर बाहर से भी पढ़ूँ तो मुझे पता चले हाँ कि ये इस रिलेटेड है या कुछ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, और जैसा मैं देखता हूँ मैं यहाँ पे अपना स्निपेट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ DS यहाँ, ठीक है। ओके, अगर आप लोग को ये नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, तो मैंने एक YouTube पे वीडियो बना रखा है कि हाउ टू सेट अप सबलाइम टेक्स्ट फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और फॉर एनीथिंग, तो उसमें जाके देख सकते हो। ओके चलो, तो इंट मेन और ये सब तो ठीक है, ये सब अच्छा है, बनाया बनाया, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। यहाँ पे क्लास बनाते हैं। वी हैव चॉइस, आइदर वी कैन क्रिएट क्लास और स्ट्रक्ट। जबकि मैं यहाँ पे C++ से काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगा, क्लास, और जिसका मैं नाम रख दूँगा एरे, ठीक है, क्लास एरे। अब स्ट्रक्ट में क्या होता है, स्ट्रक्ट में सब चीज़ें पब्लिक होती हैं, बस हमें क्लास में इसको पब्लिक करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट पब्लिक। और हमें इसमें क्या क्या चाहिए, पहले हमें एरे चाहिए, एरे के स्पेस के लिए, देन आई नीड एरे का साइज़, देन आई नीड कि उसकी लेंथ कितनी है। तो स्पेस के लिए किसी की भी उसके ब्लॉक ऑफ एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक ए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंट स्टार ए। इसका मतलब क्या है कि इंट स्टार ए, इंट स्टार ए मतलब एक मैंने एक ऐसा पॉइंटर बना दिया जो कि मेरा पॉइंट करेगा उस एरे को, जैसे हमने देख रखा था ऑलरेडी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं एक लेंथ बनाऊँगा जिसमें साइज़ चाहिए, तो वो इंटीजर साइज़ का एरे होगा, और एक मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, लेंथ कि कितनी लेंथ का एरे है, ठीक है। ये हमने एक क्लास बना दी जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये हमारा क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ अवर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूँ ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऑपरेशंस लिखेंगे। ऑपरेशंस हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑपरेशंस वी विल राइट इन द मेन। ये FRE ओपन आपको ज़रूरत नहीं, अगर आप किसी और जगह पे कर रहे हो, तो मैं इस पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है करने के लिए। चलो, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस जो क्लास हमने ऊपर बनाई है, दिस इज़ माई क्लास, इस क्लास का हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एरे और ARR, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक, एरे और ARR। तो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, लाइक हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आई वॉन्ट एरे का साइज़, तो CIN एरे का साइज़ हम यहाँ पे कुछ डिफाइन करेंगे, और वो हम किस में देंगे, एरे डॉट साइज़ में, ठीक, जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एरे डॉट साइज़। और हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए कि अगर जितना साइज़ का एरे है उतने साइज़ के हम स्पेस बनाएंगे यहाँ पे, उतने साइज ब्लॉक, और वो हम कैसे करेंगे, डायनेमिकली एलोकेट करेंगे। डायनेमिकली कैसे एलोकेट कर रहे हैं, एरे डॉट क्या चाहिए हमें, ए, ठीक है, यानी कि ए जो कि हमने यहाँ पर ये बनाया, क्या बनाया है हमने, दिस इज़ आवर स्पेस। हम इसको यहाँ पर क्या देंगे, एरे ए को लेट्स राइट न्यू इंट, और इसके अंदर ARR डॉट साइज़, मतलब जितने साइज़ का एरे है वो यहाँ पे कॉपी कर दो। ये हमारा क्या बन गया, कितने साइज़ का बन गया, और इस ए में जो बेस एड्रेस होगा इस एरे का, वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक। अब हमें लोकेशन पता है, हमें साइज़ पता है, नाउ आई नीड लेंथ। तो अब मैं यूज़र से इनपुट कराऊंगा कि कितना आप लेंथ चाहते हो, कितनी आप लेंथ चाहते हो, कितने साइज़ का एरे। तो एरे डॉट लेंथ में ये चीज़ जाएगी कि इतने लेंथ का मैं उसमें डालना चाहता हूँ, इतने एलिमेंट्स मैं उसमें डालना चाहता हूँ। अब जितने भी लेंथ होगी उसके हिसाब से मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा ताकि मैं उसमें इनपुट ले चलूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर का हमारे पास ये है, फॉर एंड आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड फिर हम इधर चलेंगे कोड में, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी इन एरे डॉट AI, ठीक, मतलब जो एरे है उसके अंदर आप इनपुट दे दो, क्लियर। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक ऐसा बना लिया फंक्शन जिससे कि हम एरे में इनपुट देंगे, क्लियर, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर। और इसको हम यहाँ पे एरे इनपुट कैसे देंगे, जस्ट यहाँ पे इतना लिख दिया, अब इसको इनपुट करेंगे और हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले इनपुट क्या चाहिए, पहले हम एरे का साइज़ देते हैं, यहाँ पे एरे का साइज़ लिख लेते हैं, लाइक सपोज़ करो 8 साइज़ का एरे बनाना है। नाउ अब मुझे इसमें क्या बताना पड़ेगा कि एरे की लेंथ कितनी, कितने एलिमेंट डालना चाहते हो, तो मैं 3 एलिमेंट डालना चाहता हूँ। 3 एलिमेंट मैं कौन कौन से डालूँगा, 10, 20 और 30, ये मैं 3 डालना चाहता हूँ, और मैं ये डाल देता हूँ, ठीक। नाउ इतना करने के बाद लेट्स कंट्रोल शिफ्ट बी, हम इसको बिल्ड करेंगे C++ फाइल में, एंड लेट्स सी क्या आता है हमारा। तो
फाइनली ये बिल्ड हो चुका है, फिनिश इन सेकेंड्स, मतलब बिल्ड हो जाएगा। अभी हम कुछ आउटपुट नहीं दे रहे हैं। अब लेट सपोज़ मैं यहाँ पे एक आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ, सी आउट डन, ठीक है। अगर यहाँ तक आएगा तो ये डन हो जाएगा, और अभी हम इसको बिल्ड करते हैं कि यहाँ पे आउटपुट कुछ तो आना चाहिए ना, कि डन हुआ कि नहीं हुआ, या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके ठीक है, बिल्ड हो चुका है और हमने यहाँ पे डन दिख दिया, मतलब हमारा लास्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे हम इसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, जो हमने एरे लिखा है इसके लिए हम डिस्प्ले एक फंक्शन बनाएंगे। तो अब हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले के लिए लेट्स राइट अ फंक्शन हियर, या फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे।